अब हम पुनः सामाजिक व्यवस्था की अध्ययन की ओर वापस आते हैं। अभी तक हमने देखा कि पार्सन ने जो बताया कि सामाजिक क्रिया किस प्रकार से अपने मूल रूप में आती है और सामाजिक व्यवस्था जो है उसका काम है, उसका कार्य है कि वो व्यक्ति की लक्ष्य को पूरा करे। तो पार्सन बताता है कि सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रियाओं का संगठित प्रणाली है। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रियाओं की संगठित प्रणाली है जिसमें अनेक कर्ताओं के द्वारा की गई क्रियाओं का समावेश होता है। अनेक कर्ताओं की क्रियाओं का समावेश होता है, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ये जो अनेक लोग क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया एक गुच्छे के रूप में, एक बंच के रूप में होती है और इन क्रियाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सामाजिक व्यवस्था का जो कार्यात्मक पक्ष है वो उसको आगे बढ़ाता है। तो इस आधार पर पार्सन ने सामाजिक क्रिया के दो भाग किए हैं। पहला संरचनात्मक पक्ष, जो हमने पहले देखा था कि व्यवस्था किस प्रकार से अलग अलग अंगों से मिलकर बनती है। अब हम आते हैं सामाजिक क्रिया का जो दूसरा पक्ष है, प्रकृतात्मक पक्ष। ये वो पक्ष है जो कि व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने में क्या सहायता प्रदान करता है। तो सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कभी कभी शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि हमेशा जो क्रियाएं की जाती हैं वो सहयोगात्मक नहीं होती हैं। उसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि विरोधात्मक होती हैं और ऐसी क्रियाओं को के संतुलन के लिए सामाजिक व्यवस्था को, शक्ति व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता है। और जब शक्ति का उपयोग किया जाता है तो निश्चित है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संघर्ष की स्थिति में तनाव उत्पन्न हो जाता है, प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है, कभी कभी हम देखते हैं कि विघटन की स्थिति पैदा होने लगती है। तो इसलिए प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का ये प्रयत्न होता है कि लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। सामाजिक व्यवस्था तभी तक विकास करती है जब तक वह कर्ताओं की इच्छाएं प्रतिमान रूप में पूरी कर सके। यदि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों की क्रियाओं को पूरा नहीं कर पाती है, अर्थात उसके लक्ष्य को पूरा नहीं करती है, तो उस स्थिति में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और सामाजिक व्यवस्था जो है उसका कर्तव्य है कि वे संतुलन बनाकर व्यवस्था को इस तरह से गतिमान प्रदान करे ताकि व्यक्तियों की अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो पार्सन ने सामाजिक क्रिया के जो प्रकृतात्मक पक्ष है वो किस प्रकार से काम करे, इसके लिए उसने अपनी पुस्तक जो उसने सामाजिक व्यवस्था लिखी थी उसमें एजिल प्ररूप की व्याख्या की है। एजिल प्रयोग जो है उसका उसने चार रूप बताए हैं कि चार तरह से प्रकृतात्मक पक्ष जो है वो कार्य करता है। पहला अडॉप्टेशन, दूसरा गोल अटैचमेंट, तीसरा इंटीग्रेशन और चौथा है लेटेंसी। तो ये जो उसने चार रूप बताए हैं, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और तनाव समाप्ति, तो ये जो चार रूप हैं उसको ही उसने एजल सिस्टम के नाम से पुकारा है कि यदि सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से कार्य करती है तब वो अपने विकास की ओर अग्रसर हो सकती है। तो एजल सिस्टम जो है उसका जो उसने रूप बताया है उसने ये स्पष्ट किया है कि हमेशा समाज में ऐसी स्थिति नहीं रहती है जिससे कि अनुकूलन बना रहे, कभी कभी विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है और ऐसी स्थिति में अनुकूलन ही वो तत्व होता है जो व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है।
तो एडाप्टेशन का जो उसने शब्द का प्रयोग यहाँ किया है उसका अर्थ है कि हर जगह पर्यावरण जो होता है वो समान नहीं होता है, उस पर्यावरण से हमें अनुकूलन करना पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण हम सोचें कि हमारे ही अनुकूल होगा ये कभी भी संभव नहीं है, हमें अपने को उस पर्यावरण से अनुकूलन करना पड़ता है। तो पार्सन कहता है कि सामाजिक व्यवस्था में यदि हमें इस तथ्य को समझना है तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे हम कश्मीर को ले लें तो कश्मीर का जो पर्यावरण है वो जो प्रकृति की ओर से कश्मीर को प्रकृति ने जो वातावरण प्रदान किया है वो बहुत अधिक ठंडा है, और उस ठंडे वातावरण में वहाँ के लोगों को अनुकूलन करना है, यदि वो अनुकूलन नहीं कर पाएंगे तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए अनुकूलन करने के लिए वो अपने उन्होंने कई साधन निर्मित किए हैं, जैसे कि आज के मॉडर्न ज़माने में हम देखते हैं एसी का प्रयोग करते हैं लोग, इसी तरीके से उन्होंने गरम कपड़े से अपने को पूरी तरह ढकते हैं, उधर पर भेड़ होती है, भेड़ के बाल से वो धागा बनाते हैं, धागा बनाकर फिर उसका कपड़ा बनाते हैं और उससे अपने को वो पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक ढकते हैं, अपने साथ वो बताएं एक सिगड़ी रखते हैं ताकि उनको गर्माहट प्राप्त हो सके, पूरे समय उन लोग चाय मीन्स कावा पीते हैं ताकि शरीर गर्म रह सके। तो इस प्रकार के साधन उन्होंने निर्मित किए हैं ताकि उस पर्यावरण से वो अनुकूलन कर सकें। तो यही पार्सन कहता है कि सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन जो है वो अति आवश्यक है, और यदि अनुकूलन कर लेते हैं तो व्यक्ति वहाँ पर विकास कर सकता है। दूसरा जो है लक्ष्य प्राप्ति, कि लक्ष्य को कैसा प्राप्त किया जाए, क्योंकि पर्यावरण तो आपको मिला है, आपने पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर को जीवित रखने के लिए साधन भी निर्मित कर लिए हैं, परंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको भूख भी लगती है, और उस भूख को पूरा करने के लिए उसे कई रिसोर्स की जरूरत होती है ताकि वो भोजन को प्राप्त कर सके। तो सामाजिक व्यवस्था का यहाँ पर कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करे ताकि उस क्षेत्र में जो भी प्राकृतिक के द्वारा किए गए रिसोर्स हैं उनको वो क्या करे, उपयोग में लाए, साधन में लाए, और उसके द्वारा आर्थिक क्रिया को गतिमान करें ताकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनकी भोजन की आवश्यकता है तो निश्चित है, जैसा हमने कश्मीर का उदाहरण लिया, वहाँ पर लोग जानवर काटते हैं, उनका मांस खाते हैं, इसी प्रकार से वो अपने जो उनकी शारीरिक आवश्यकता है गर्म रखने की उसको वो पूरा करते हैं। साथ ही आर्थिक क्रिया करने के लिए जैसा हमने पहले कहा कि वहाँ भेड़ है, उसके बाल से वो धागा बनाते हैं, धागा बनाकर उससे गर्म कपड़े बनाते हैं, गर्म कपड़े बनाकर बाजार ढूंढते हैं, और फिर उसके द्वारा वो अपनी जो उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए अर्थ का एकत्रित करते हैं। तो ये काम कौन करता है, वहाँ की जो सरकार है वो इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि जो भी रिसोर्स उनके पास हैं वो रिसोर्स का वो क्या करें, पूरा उपयोग करें, और मनुष्यों की जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरा कर सकें। यदि हम ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ समुद्र प्राप्त है तो उधर पर लोगों का मुख्य धंधा जो होता है मछली पालन होता है, मछली को पकड़ते हैं, उसको वो व्यापार के द्वारा बाहर भेजते हैं और इसके द्वारा वो अपने जीवनचर्या का निर्वाह करते हैं। तो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त हैं उससे उसे क्या करना है, अपनी आवश्यकताओं को, उसको सरकार को एक गोल का निर्माण करना है कि वो किस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताएं पूरे कर सके और क्षेत्र का विकास कर सके।
तीसरा जो उसका पॉइंट है वो हैगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण। एकीकरण जैसा हमने पहले ही कहा कि जब हमने बाजार बना लिया है कि किस प्रकार से धागा बनेगा, बाजार को ढूंढा जाएगा, तो इस ये जो प्रक्रिया है बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से चलती है कि पहले भेड़ चाहिए, उसके बाद उसके बाल चाहिए, फिर उसके बाद धागा बनेगा, फिर धागा बनने के बाद बाजार ढूंढेंगे, तब कहीं व्यक्तियों को वो अर्थ की प्राप्ति होगी जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें। तो ये जो इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है वन बाय वन, तो इसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि किसी प्रकार का इसमें संघर्ष नहीं हो, परंतु फिर भी कभी कभी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो इसको एकीकरण के द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा उसे क्या करना है, सामाजिक व्यवस्था उसको क्या करती है, पूरा करती है, ताकि किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार की अराजकता पूरी नहीं हो सके। तो इसके लिए जरूरी है कि लोगों में आपस में एकता बनी रहे। ये एकता कहाँ से आएगी, हमारे कल्चर से आएगी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने वहीं पर जन्म लिया है, वहीं पर उन्होंने इतना जीवन व्यतीत किया है, इसलिए उनको अपनी मिट्टी से प्रेम होता है। वो सब कश्मीरी हैं और इसलिए वो कश्मीरी होने के नाते उनका एक कल्चर है, एक उनकी भाषा है, एक उनका पहनावा है, एक उनकी सांस्कृतिक वातावरण है, और इस आधार पर हम उनमें एकीकरण की व्यवस्था अन्य संस्थाओं के द्वारा कर सकते हैं, ताकि हर व्यक्ति की आवश्यकता जो है पूरी हो सके। चौथा जो है कि तनाव की समाप्ति। तनाव तो उत्पन्न होता ही है, मनुष्य स्वार्थी प्राणी है और इसलिए तनाव उत्पन्न होता है, किंतु सामाजिक व्यवस्था ये मेंटेन करती है कि टेंशन जो है वो पूरी तौर से क्या हो, समाप्त हो। टेंशन को मेंटेन करना ये सामाजिक व्यवस्था का काम होता है। तो लेटेंसी जो है उसका अर्थ है कि तनाव को समाप्त करना। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कश्मीर क्षेत्र में हम देखते हैं कि बॉर्डर है, इसलिए कई बार चीन से उनको आक्रमण की आशंका होती है, कई बार पाकिस्तान से उन घर पर गोला बारूद होती है। तो इसको दूर करने के लिए सामाजिक व्यवस्था क्या करेगी कि वहाँ पर सेना की व्यवस्था करेगी, वहाँ पुलिस की व्यवस्था करेगी, ताकि वहाँ के लोग जिनका कि उद्देश्य है कि वो अपना आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें, वो शांतिपूर्वक कर सकते। तो सामाजिक व्यवस्था जो है उसका जो कार्यात्मक पक्ष है, कार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत वह लोगों के लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करती है, और जब तक लक्ष्य पूरे होंगे तब तक सामाजिक व्यवस्था में शांति बनी रहेगी, किसी प्रकार की अराजकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से पार्सन का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो केवल मनुष्यों एक संरचना है, इस संरचना के अंतर्गत हर नियम कानून जो है वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि व्यक्तियों की आवश्यकता स्मूथली पूरी हो सके। अब यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो कमेंट्स हों उसको भी आप